गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर ऑफ इको प्लैनेट क्लास थर्ड। चैप्टर नेम डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली मीन अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के एबल्ड पीपल, जो जैसे कि विकलांग होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई बहरा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं अलग टाइप के, वो होते हैं डिफरेंट एबल्ड पीपल। तो स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो विशेष लोग होते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ अस हैव एबिलिटीज टू सी, हियर, स्पीक एंड अदर एक्टिविटीज विट इज अवर ऑन। जो अधिकांश जो लोग होते हैं, उनके पास अपनी खुद की कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे कि देखने की, सुनने की, बोलने की एंड सारी एक्टिविटीज खुद की होती हैं। बट देयर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव दिस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड हैपनिंग्स। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, उनमें ये ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता नहीं होती है जो वो अपने आसपास की होने वाली चीज़ों को समझ सकें। दे मे नॉट हैव नॉर्मल फीचर्स, उनके फीचर्स नॉर्मल नहीं होते हैं, उनकी विशेषता मे बी सीक और मेंटली हैंडीकैप्ड, वो बीमार होते हैं या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। सच पीपल हैव स्पेशल नीड्स एंड सो आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। ऐसे लोगों को स्पेशल आवश्यकता, विशेष आवश्यकता की जरूरत, विशेष जरूरत होती है, इसलिए इन्हें स्पेशल पीपल कहते हैं, विशेष लोग कहते हैं। दे मे बी फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड, वे फिजिकली और मेंटली, मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती रहती है उनके पास, उनके पास मानसिक रूप से भी कुछ कमी रहती है या शारीरिक रूप से कमी रहती है। नाउ डेज आजकल वी यूज द टर्म डिफरेंटली एबल टू डिस्क्राइब सच पीपल। आजकल हम ऐसे लोगों का वर्णन करने के लिए अलग शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब पहले तो ऐसे सारे लोगों को एक जैसे बोलते हैं, लेकिन आजकल इनको अलग शब्द का उपयोग करते हैं। वी मस्ट बी सेंसिटिव टू सच पीपल, हमें ऐसे लोगों के लिए संवेदनशील होना चाहिए। ब्रेल सिस्टम एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है। लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न इन फ्रांस, जो लुइस ब्रेल हैं वो थे, उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के दौरान ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी। इन द ईयर 1829 ही डेवलप्ड ए मेथड ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स विच मेड इट पॉसिबल फॉर ब्लाइंड पीपल टू रीड। उन्होंने 1829 में अक्षर लिखने की एक विधि विकसित की थी, जिससे जो अंधे नेत्रहीन लोग होते हैं, अंधे होते हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो। इन ब्रेल सिस्टम, जो ब्रेल सिस्टम है, ब्रेल प्रणाली है, उसमें लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेस्ड डॉट्स। जो लेटर्स होते हैं ब्रेल सिस्टम में, जो लेटर्स होते हैं वो रेस्ड डॉट्स के होते हैं। कैसे, किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? जो उभरे हुए, उठाए हुए डॉट्स होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। ए ब्लाइंड पर्सन मूव्स हिज फिंगर्स ऑन द डॉट्स, जो एक अंधा व्यक्ति होता है वो इन डॉट्स पर अपनी फिंगर्स को घुमाता है एंड आइडेंटिफाइज द लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड, और लेटर्स अक्षरों को पढ़ने में पढ़ता है और पहचानता है। रीडिंग बाय रेस डॉट सिस्टम और ब्रेल सिस्टम, ये देखो, ये लड़का अंधा है और ये इसमें जो ब्रेल सिस्टम है उसमें इसको अक्षरों को पहचान रहा है डॉट्स के द्वारा अपने उंगलियों से। इन ब्रेल सिस्टम, जो ब्रेल सिस्टम में देयर आर सिक्स रेस डॉट, कितने डॉट्स होते हैं इसमें? सिक्स डॉट्स होते हैं उभरे हुए। द ब्रेल अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अरेंजमेंट ऑफ द डॉट्स, जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती हैं, जो इसकी जो वर्णमाला होती हैं उनमें विभिन्न व्यवस्था, बहुत सारी अरेंजमेंट शामिल होते हैं। देयर आर 63 पॉसिबल्स, उसमें 63 संभावित संयोजन, कॉम्बिनेशंस होते हैं, विच टेक केयर ऑफ एंटायर लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड अदर साइन सच एज पंक्चुएशंस, जिसमें जो वर्णमाला होती है उनमें अन्य अक्षरों और विराम चिन्ह जैसे अन्य संकेतों को भी होते हैं, मतलब सब तरह की संकेत होते हैं उसमें, सब तरह की वर्णमाला वगैरह सब होते हैं। इट इज टुडे द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड
रीड एंड राइट, ये आजकल जो नेत्रहीन अंधे लोग होते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली स्क्रिप्ट है ये। इट सॉरी टूडे ब्रेल ब्रेल कैन बी रिटन ऑन द कंप्यूटर टू। आजकल ये कंप्यूटर पे भी लिखी जा रही हैं, कंप्यूटर के द्वारा बनाई जा रही हैं, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा हम इसको पढ़ सकते हैं। इन इंडिया वी हैव स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन वेयर दे आर टॉट टू रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेली। भारत में आजकल हमारे पास जो अंधे बच्चों के लिए बहुत सारे विशेष स्कूल खोले गए हैं, जहाँ पर उन्हें ब्रेल जो प्रणाली है उसके उपयोग करके उनको पढ़ना और लिखना सिखाया जा रहा है। अब साइन लैंग्वेज क्या होती है? एक सांकेतिक भाषा होती है, संकेतों द्वारा, कोई किसी संकेत द्वारा उसमें लैंग्वेज को पहचाना जाता है, यह सांकेतिक भाषा बोलते हैं जिसे हम। सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग वेन दे ग्रो ओल्ड। कुछ जो लोग होते हैं वो बूढ़े होते होते, वृद्ध होते होते, उनको ये सुनने की क्षमता कम होती जाती, मतलब कम सुनने लगते हैं। सच पीपल आर गिवन हियरिंग एड, ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? हियरिंग एड, एक सुनने की कोई एड दी जाती है, एक छोटा सा उपकरण होता है जिसे कान में लगाने से वो सुन सकते हैं। इट इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वोन इन ईयर, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उपकरण होता है कान में लगाने का। इट मेक्स द साउंड लाउडर एंड हेल्प देम टू हियर क्लियरली, यह जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसको तेज करता है और हेल्प देम टू हियर क्लियरली, और जो साउंड होता है उसको क्लियरली सुनने, साफ सुनने में मदद करता है। हाउएवर, हालांकि सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, मतलब कुछ लोग कुछ भी नहीं सुन पाते, बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, तो दे आर कॉल्ड डीफ एंड हियरिंग डीफ और हियरिंग इम्पेयर्ड, तो उन लोगों को कहते हैं डीफ। डीफ मीन्स होता है बहरा, जो बहरे लोग उन लोगों को बहरा कहते हैं, डीफ कहते हैं। ए हियरिंग एड इज ऑफ नो यूज टू सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए हियरिंग एड भी यूज नहीं की जाती। ऑल्सो देर आर पीपल हु कैन नॉट स्पीक, दे आर कॉल्ड डम्ब एंड म्यूट पीपल, ऐसे ही जो लोग बोल नहीं सकते हैं उनको क्या कहते हैं? डम्ब। डम्ब मीन्स होता है गूंगा, ऐसे व्यक्तियों को डम्ब या म्यूट पीपल कहते हैं। डीफ एंड डम पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, जो डीफ और डम पीपल होते हैं, बहरे और गूंगे लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए एक सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, साइन लैंग्वेज का। इन साइन लैंग्वेज हैंड सिग्नल्स रिप्रेजेंट वर्ड्स, जो साइन लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा होती है, उसमें हाथ के संकेत शब्दों को बताते हैं, मतलब हाथ से किए हुए संकेत, मतलब अपने हाथों द्वारा संकेत किए जाते हैं। म्यूट पीपल ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ लिप रीडिंग फॉर कम्युनिकेशन, जो म्यूट पीपल होते हैं, गूंगे व्यक्ति होते हैं, वो लिप रीडिंग, होठों से जो पढ़ते हैं तो होठों को देखकर ही वह कम्युनिकेशन कर लेते हैं, समझ जाते हैं। जैसे वॉचिंग द स्पीकर्स मूवमेंट ऑफ लिप्स टू सी व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, जैसे जो स्पीकर जो बोल रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो उसकी जो बोलने की गति होती है उसको देख कर ही वह समझ जाता है कि यह क्या बोल रहा है। फिजिकली चैलेंज पीपल है स्पेशल नीड्स, जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, मतलब तो उन लोगों को विशेष जरूरतें होती हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ देम बाई अंडरस्टैंडिंग देयर डिसेबिलिटीज, हेल्पिंग देम वेन दे आर इन नीड, एंड बाई बींग फ्रेंडली, लविंग एंड जेंटल विद देम, तो हम उनकी जो कमियां होती है उसको समझकर, उनकी अक्षमताओं को समझकर उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनको उनके साथ फ्रेंडली प्यार से व्यवहार करके उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो डिड यू नो पीपल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली आर कॉल्ड लेम पीपल, जो लोग नॉर्मली नहीं चल पाते हैं सही से, जैसे लड़खड़ा के चलते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं लेम पीपल। लेम पीपल मीन्स लंगड़ा, लेम मीन्स लंगड़ा होता है। पोलियो इज अ डिजीज दैट कैन मेक ए पर्सन लेम, जो पोलियो एक बीमारी होती है, वो उसमें एक व्यक्ति को लंगड़ा बना देती है वो बीमारी। इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन द मोस्ट, ये बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। पल्स पोलियो इज अ कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री, जो पल्स पोलियो देश में पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार का एक अभियान है, भारत सरकार ने इसके लिए एक पल्स पोलियो अभियान बनाया है। अब क्लासरूम एक्टिविटीज, इसमें क्या करना है आपको? मैच द फॉलोइंग करना है। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, तो कौन नहीं देख सकता है? ब्लाइंड, जो नहीं देख सकता ना उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। ए पर्सन हु कैन नॉट हियर, वह व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है, तो
जो नहीं सुन सकता है उसको बोलते हैं डीफ। क्या बोलते हैं? डीफ। जो नहीं सुन सकते हैं उसको डीफ बोलते हैं। डीफ मीन्स बहरा। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते हैं, डम्ब। ए पर्सन हु कैन नॉट वॉक, तो लेम। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज रीड दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।